Good morning, students. Welcome to your science class. Let's start the second part of chapter number 5, which is solid, liquid and gases. In our previous video, we already discussed about matter, that all things are made up of matters. Matter exists in 3 different states on the basis of arrangement of molecules in them. Okay, what are the 3 states? Solids, liquids and gases. ठीक है, matter 3 state में मिलता है. कौन कौन से state है, कौन कौन सी forms है? Solid, liquid and gases. ठीक है, किस basis पे difference थे वो? On the basis of arrangement of molecules. Okay, now let's discuss about how matter changes its state. ठीक है, ये जो 3 state हैं, ये कैसे आपस में चेंज होती हैं? ठीक है, अब आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए. आपने टैप से वाटर लिया ग्लास में, कौन सी स्टेट है वो? हमारी लिक्विड स्टेट. ठीक है, आपने उसमें से हाफ वाटर जो है वो तो रख दिया फ्रिज में. फ्रीजर में रखने के बाद क्या हुआ? उससे आइस फॉर्म हो गई. तो आइस कौन सी स्टेट हो गई वाटर की? सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो लिक्विड स्टेट से हमारा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया वाटर. अब जो हाफ वाटर हमने बचाया था, उस हाफ वाटर को आप बॉईल कीजिए. तो बॉईल करेंगे तो आप क्या देखेंगे? वहां से वाटर वेपर्स बनना स्टार्ट होते हैं. ठीक है, जिसे हम भाप बोलते हैं. वाटर वेपर्स जो बनते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, है ना? तो वाटर वेपर जो है वो कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट. ठीक है, सो वाटर से हमने 3 स्टेट हमें मिल गई. वाटर एक लिक्विड स्टेट है. अगर हम उसको फ्रिजर में रखते हैं, कूल करते हैं, तो वो हमारा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हमने क्या नोटिस किया? अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं, सपोज सिंपल वाटर का अगर हम उसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है. और अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो स्टीम फॉर्म कर रहा है, वाटर वेपर्स बना रहा है, तो वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है. सो चेंज इन टेम्परेचर आर यूजुअली व्हाट कॉज मैटर टू चेंज इट्स स्टेट. ठीक है, टेम्परेचर चेंज ही ऐसा रीजन है जिसकी वजह से जो मैटर का स्टेट है वो चेंज होती है. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन मैटर चेंजेस इट्स फॉर्म इट इज कॉल्ड चेंजिंग इन स्टेट. ओके, हियर वी डिस्कस अबाउट 4 प्रोसेस थ्रू विच मैटर चेंज इट्स स्टेट. फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन. When we heat the water, then it converts into water vapor, which is a gas. Okay? ऐसा क्यों हो रहा है? वो गैस में कन्वर्ट कैसे हो रहा है? सिंपल, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो. कोई भी वाटर बॉडी है, सपोज रिवर है, ओशियन है, सी है, कुछ भी, उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, जिससे क्या हो रहा है? जो वाटर है वो वार्म हो जाता है. ठीक है, वार्म ओशियन सरफेस यहाँ पे आपको दिखा रखा है. अब वो जब वार्म होता है तो वहाँ से स्टीम बनना स्टार्ट होता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, वाटर वेपर्स बनते हैं और वो ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है हीटिंग के बाद वाटर वेपर्स का बनना, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं? इवेपोरेशन. ठीक है, इसे आप सिंपल अपने घर में भी नोटिस कर सकते हो. सपोज जब आप वाटर बॉयल करते हो, ठीक है, या आपकी मम्मा वाटर बॉयल करती है, तो क्या होता है? उससे एक स्टीम निकलती है. या कोई भी लिक्विड चीज़ जब आप गर्म करते हो, मिल्क गर्म कर रहे हो, कुछ भी चीज़, तो वहाँ से वाटर वेपर्स निकलते हैं, स्टीम निकलती है. ठीक है, सो ये जो स्टीम है ये एक्चुअली में क्या है? इट इज़ अ गैस. ठीक है, हीट करने से क्या होता है? हमने पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जब हम सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एक टर्म पढ़ी थी.
सॉलिड में क्या होता था, मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बहुत कम होता था, नेग्लिजिबल होता था, जिसकी वजह से वहाँ पे मूवमेंट नहीं होती थी, ठीक है। बट लिक्विड में क्या होता था, थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, राइट। और गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता था मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम वाटर को हीट करते हैं, किसी लिक्विड को हीट करते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड, ठीक है। सो दिस इज इवेपोरेशन, वी कैन से द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू अ गैस इज नोन एज इवेपोरेशन, ठीक है। सिंपल सी बात है, पानी से भाप का बनना इवेपोरेशन है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम वाटर इज नोन एज इवेपोरेशन, इज इट क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज कंडेंसेशन। ये भी सिंपल सा एग्जाम्पल आप लेके देखिए, अभी हमने बात की थी जब हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो वहाँ से स्टीम फॉर्म होती है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर भी प्लेट रख देते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी कूल सरफेस रख देते हैं, तो क्या होता है, वो स्टीम उस प्लेट के ऊपर टकराएगी, उस प्लेट के ऊपर जाएगी और वहाँ पे थोड़े टाइम बाद कूल डाउन होने के बाद वहाँ पे वाटर वेपर्स बन जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, सॉरी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो वो स्टीम से जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, कंडेंस होना, किसी भी चीज़ का कॉम्पैक्ट होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कूल डाउन होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स थे, हमारी वाटर वेपर्स थी, ठीक है, स्टीम थी, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर थे, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो गए थे, है ना। अब जब वो कूल डाउन हुए तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस कम हो जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वेपर टू लिक्विड थ्रू कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आप सिंपल घर में भी देख सकते हो, जब आपको मम्मा गरम गरम मिल्क देती है तो उस ग्लास के ऊपर आप कोई भी प्लेट या बाउल रखिए, ठीक है, उस बाउल में क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ऊपर की साइड वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आई है, आपके जो स्टीम थी उसके कूल डाउन होने की वजह से, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज मेल्टिंग। अब मेल्टिंग क्या है, सिंपल बात है, जब आप फ्रिज से बटर निकालते हो या घी निकालते हो, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जब आप बटर या घी को कट करके पैन में डालते हो तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, लिक्विड होने लगता है, मेल्ट होने लगता है, ठीक है। सो हमें इससे क्या पता चला कि कोई भी कूल ऑब्जेक्ट है, कोई भी कूल थिंग है, कोई भी चीज़ है जो ठंडी है, उसको अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, उसको हीट करते हैं तो वो मेल्ट होने लगती है, ठीक है। क्योंकि कूल चीज़ है उसमें क्या होता है, सॉलिड चीज़ है, उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसको हीट करना स्टार्ट किया, मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस इंक्रीज होने लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल बटर देख सकते हो आप, मेल्ट जब होता है, घी मेल्ट हो जाता है, आइस, इस टाइम पे आइस आप देख रहे हो, या फिर आप आइसक्रीम लेते हो, आपने आइसक्रीम ली, आपको बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में मिली है, ठीक है, लेकिन आप उसे खा रहे हो, बहुत धीरे धीरे आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या होता है, वो मेल्ट होने लगती है, मेल्ट होके वो गिरने लगती है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि मेल्ट होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है हीटिंग की वजह से, और वो मेल्ट हो जाती है। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, ओके। Now come to the fourth one, which is freezing. Freezing से भी आप सभी लोग familiar हैं। आप freezing में क्या होता है,
किसी भी चीज़ को फ्रीज करना, फ्रिज में रखना, जिसकी वजह से वो कूल डाउन हो जाती है। ठीक है, अब आप वाटर को जब फ्रीजर में रखते हो, फ्रीज करते हो, तो क्या होता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम वाटर को कूल करते हैं तो जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है एंड जो एनर्जी है वो रिड्यूस होने लगती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं मैटर के वो क्लोज कांटेक्ट में आने लगते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत कम हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ओके, समझ आया? हमने चार स्टेप्स पढ़े, चार प्रोसेस पढ़े। इवेपोरेशन, जिसमें क्या हो रहा था, लिक्विड से गैस फॉर्म हो रही थी ऑन हीटिंग, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। देन हमने पढ़ा कंडेंसेशन, उसमें क्या हो रहा था, टेम्परेचर कम करने की वजह से, कूल डाउन करने से हमारा गैस से लिक्विड फॉर्म हो रहा था। ठीक है, देन हमने पढ़ा मेल्टिंग, मेल्टिंग में भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था और सॉलिड से आइस फॉर्म हो रही थी, सॉरी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म हो रहा था। ठीक है, देन हमने पढ़ा फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, कूल डाउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से लिक्विड जो है हमारा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। अभी आपने क्या चीज़ नोटिस की कि दो प्रोसेस में तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एक में हमारा लिक्विड से गैस फॉर्म हो रहा है और दूसरे में हमारा सॉलिड से लिक्विड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, हीटिंग की वजह से। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो द हीटेड मॉलिक्यूल नीड्स मोर स्पेस टू मूव। ठीक है, लिक्विड है, उसको हमने हीट किया तो उनके मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो फास्ट हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ऐसे अगर हमने सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उनके मॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होने की वजह से, मूवमेंट इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, हमारा लिक्विड फॉर्म हो जाता है। सो दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या है, मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है, उसे हम बोल देते हैं एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में हमारे कौन कौन से प्रोसेस आ जाएंगे, एक तो हमारा इवेपोरेशन, क्योंकि इसमें भी हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा लिक्विड से गैस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देन सेकेंड कौन सा आ जाएगा, मेल्टिंग, सॉरी सेकेंड कौन सा आ जाएगा हमारा, मेल्टिंग। मेल्टिंग में भी क्या हो रहा है, आइस से वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देन वी कम टू द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इसमें क्या होता है, अब हमने जो रेस्ट ऑफ द टू प्रोसेस पढ़े थे, जिसमें क्या हो रहा था, टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा था, कम टेम्परेचर हो रहा था। जब भी हम किसी भी मैटर को कूल डाउन करते हैं तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो डिक्रीज होने लगता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम होने लगता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेस कम हो रहा है। ठीक है, एज द मॉलिक्यूल कम क्लोजर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जो मैटर का साइज है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, क्योंकि अब एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा टाइटली होल्ड करेंगे, जिसकी वजह से जो मैटर है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कूलिंग के बाद। ठीक है, सो दिस डिक्रीज इन साइज, साइज में जो डिक्रीज आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे, एक तो आ जाएगा कंडेंसेशन। ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, गैस ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेस जो है बीच में, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज़्यादा है एंड मूवमेंट भी ज़्यादा है, तो उसको हम जब कूल डाउन करते हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो कंडेंसेशन क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन का ही एक एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में क्या है, लिक्विड हमारा कन्वर्ट हो जाता है
सॉरी लिक्विड जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, फ्रीजिंग में, ठीक है, हमारा वाटर से आइस फॉर्म हो जाता है, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ मैटर चेंज इट्स स्टेट। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए, आपको ये बहुत इजी चैप्टर लगेगा क्योंकि इसके एग्जांपल आप अपने घर में ही देख सकते हो, ठीक है। वाटर हीट मामा करती है या फिर कोई भी चीज़ बन रही है, कुछ भी चीज़ हीट हो रही है तो वहाँ पे वाटर वेपर्स फॉर्म होती ही है, वेपर्स फॉर्म होती ही है, ठीक है। उसके बाद अगर उसके ऊपर लिड लगा हुआ है किसी भी चीज़ के ऊपर या फिर हमने उसे कवर कर दिया है तो वहाँ पे वो वाटर वेपर्स जो है या फिर जो वो वेपर्स हैं वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और फ्रीजिंग आप डेली पढ़ते देखते ही हो, फ्रिज के अंदर आप वाटर रखते ही होंगे, ठीक है, क्रेट वगैरह में अपने आइस फॉर्म करते हो, ठीक है। मेल्टिंग में भी क्या है, जब वो आप आइस बाहर निकालते हो तो मेल्ट होने लगती है, या फिर आप आइसक्रीम खा रहे हो तो वो मेल्ट होने लगती है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो मॉलिक्यूल का साइज़ है वो इंक्रीज होगा, मैटर का साइज़ इंक्रीज होगा, उसे हम एक्सपेंशन बोलेंगे। और अगर हम किसी भी चीज़ को कूल डाउन कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मैटर का साइज़ डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ओके। सो यह दिस इज योर चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट वी डिस्कस्ड इन आवर टू वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ कम टू दी क्लास वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्लास वर्क इज फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ ब्रैकेट्स में आपको वर्ड दिए हुए हैं, उन्हें आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। सो द क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल मटेरियल्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी मैटर हैं, वो सब जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब मैटर से फॉर्म होती है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज मैटर। ऑल मटेरियल्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज द टिनी पार्टिकल्स दैट मेक मैटर। ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि मैटर किससे मिलके बनता है, मॉलिक्यूल्स से। सो द राइट आंसर इज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द टिनी पार्टिकल्स दैट मेक मैटर आर मॉलिक्यूल्स। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज द मॉलिक्यूल्स आर सॉरी द स्लैश आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहाँ पे नेम में ही आ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट व्हिच इज व्हेन वाटर चेंजेस टू वेपर ऑन हीटिंग। हीटिंग के बाद वाटर से वाटर वेपर फॉर्म हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। फ्रीजिंग में तो हमारा सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है, और इवेपोरेशन में हमारी गैसेस फॉर्म होती हैं। तो वेपर्स क्या है, गैसेस है, तो लिक्विड से वेपर्स का बनना इवेपोरेशन होता है, ठीक है। नाउ कम टू द फिफ्थ स्टेटमेंट, स्टीम चेंजेस टू वाटर व्हेन इट। स्टीम से वाटर कब फॉर्म होता है, जब हम उसे हीट करते हैं, नो, जब हम उसे कूल डाउन करते हैं, ठीक है। जब हम स्टीम के ऊपर प्लेट रख देते हैं या कोई भी कूल सरफेस रखते हैं जिससे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन में होता है ना, स्टीम से वाटर फॉर्म होती है। तो स्टीम चेंजेस टू वाटर व्हेन वी कूल इट, ठीक है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड टू कंप्लीट योर क्लास वर्क। नाउ कम टू द मैचेस। सो फर्स्ट वन इज
स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। सो द राइट आंसर इज दिस सी, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। सेकेंड वन इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर से वाटर वेपर का फॉर्म होना, ठीक है। सो राइट आंसर फॉर दिस इज वाटर टू वेपर। नाउ थर्ड वन इज वाटर टू आइस। वाटर से आइस कब फॉर्म होता है, जब हम उसको फ्रीज करते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज फ्रीजिंग। नाउ फोर्थ वन इज आइस टू वाटर। आइस से वाटर कब बनता है, मेल्टिंग होने पर, और मेल्टिंग कब होती है, जब उसको हम हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, राइट। नाउ फिफ्थ वन इज लिक्विड्स। लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, दे कैन फ्लो। सो राइट आंसर फॉर दिस इज कैन फ्लो। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने राइट ऑप्शंस जो है वो सेम कलर से लिखे हैं, ठीक है। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड आल्सो। नाउ कम टू द होमवर्क विद सॉल्यूशन। सो होमवर्क कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाटर चेंजेस टू आइस बाय, वाटर आइस में कब चेंज होता है, बॉइलिंग के टाइम पे, नो, बॉइलिंग करने से तो वाटर से हमारी वेपर्स फॉर्म हो जाती है जिसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। फ्रीजिंग के टाइम पे, यस, जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तब वो आइस में कन्वर्ट होता है। सो राइट आंसर फॉर दिस इज फ्रीजिंग, ओके। सेकेंड वन इज वैन कूल्ड, द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। जब हम किसी भी चीज़ को कूल करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के पास आएंगे या दूर जाएंगे। अभी हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्शन में, इसमें क्या हो रहा है, जब हम किसी भी चीज़ को कूल डाउन कर रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते हैं। सिंपल सी बात है, जब हम फ्रीजिंग कर रहे हैं, कोल्ड का मतलब यही हो गया ना, फ्रीज कर रहे हैं हम, तो फ्रीज कर रहे हैं तो क्या होता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं जिससे सॉलिड फॉर्म होता है, ओके। सो व्हेन कूल द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस कम क्लोजर, ठीक है, क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम हो जाता है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज इफ वी बॉइल वाटर, अगर हम वाटर को बॉइल कर रहे हैं तो क्या होता है, द मॉलिक्यूलर मूवमेंट विल, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है, हीट करने पर एक्सपेंशन हो रहा है, इट मींस मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव करते हैं तभी तो वाटर से हमारा गैस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज इंक्रीज, मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज इन आइस, आइस के केस में क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज कम होता है या ज़्यादा होता है या सेम रहता है एज कम्पेयर टू वाटर। आइस क्या है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, वाटर या लिक्विड में उससे कम होता है और गैसेस में सबसे कम होता है, ठीक है। सो आइस के केस में क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज मोर, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है, क्योंकि आइस क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है हमारा, लिक्विड। तो सॉलिड में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स, ओके। नाउ फिफ्थ वन इज द चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, सॉलिड से जब लिक्विड फॉर्म होता है हीटिंग के बाद उसे हम क्या बोलते हैं, अगर आप आइस बाहर रखी है, आइस से आपका वाटर फॉर्म हो गया तो उसे आप क्या बोलोगे कि आइस हमारी मेल्ट हो गई, ठीक है। सो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, मेल्टिंग। द चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है। ऐसे ही बटर है आपका, वो हीट होने के बाद क्या होता है, मेल्ट होता है, ठीक है। सो उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोल देते हैं। सो दिस इज योर क्लास वर्क, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड ऑल्सो। सॉरी, दिस इज योर होमवर्क। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ होमवर्क वन, जो हमने फर्स्ट वीडियो में होमवर्क आपको दिया था।
The first statement for this is the tiny particle that makes matter. ऐसे कौन से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके जिनसे मिलके मैटर फॉर्म होता है. फर्स्ट इज मॉलिक्यूल. यस, मॉलिक्यूल आर द टिनी पार्टिकल्स दैट मेक्स मैटर. नाउ सेकंड वन, द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड. मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? अभी हमने इतनी बार रिपीट किया, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. दो मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. थर्ड स्टेटमेंट इज सॉलिड हैव. सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? दे हैव फिक्स शेप. यस, उनका फिक्स शेप जो है वो फिक्स रहता है. फिक्स वॉल्यूम. यस, उनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि ए वाली स्टेटमेंट भी ठीक है सॉलिड के केस में और बी वाली स्टेटमेंट भी ठीक है. नाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड. क्या प्रॉपर्टी है सॉलिड की? आर टाइटली पैक्ड. यस, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं. कैन मूव. नहीं, मूव नहीं कर सकते हैं. आर नॉट फिक्स्ड. नहीं, फिक्स रहते हैं वो. ऑल ऑफ दीज नो. सो द राइट आंसर इज आर टाइटली पैक्ड. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, सॉल्यूशन ऑफ योर होमवर्क. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. I hope you all understand what we discussed in this chapter. So, thank you.